प्रस्तुत है कार्यक्रम कलश। श्रोताओं नमस्कार। कलश के इस अंक में आपका स्वागत। आइए आज सुनते हैं रूपक कहे कबीर, लेखन और प्रस्तुति डॉक्टर सुनील केशव देवधर। जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, जो चकमक में आगी, तेरा साई तुझ में रमता, तेरा साई तुझ में रमता, जागी सके तो जागी, जागी सके तो जागी, जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, जो चकमक में आगी। झाई में परछाई दर से, झाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साई, लखे कबीरा साई, जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, जो चकमक में आगी। तो ऐसी है कबीर की बानी, जो है हमारे जीवन की कहानी। हमारा मन हमेशा मोह माया में भटकता रहता है और इसी माया में मनुष्य खोया रहता है और अपने आप को भूल जाता है। इसी माया के फेर में आदमी आदमी के बीच बैर भाव, लड़ाई झगड़े होते हैं और अपने पराये की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यही अपने पराये की भावना समाज में जब व्याप्त हो जाती है, तब जाति धर्म संप्रदाय के वाद उपस्थित होते हैं, झगड़े बढ़ने लगते हैं। वो ऐसा ही समय था जब कबीर का जन्म हुआ। जाति धर्म के विवाद अपनी पराकाष्ठा पर थे, मनुष्य मनुष्य के रक्त का प्यासा हो रहा था। पाखंड और प्रदर्शन का बोलबाला था। कर्मकांड ने मनुष्य के मन में घर बना लिया था, वो इसे ही धर्म मान बैठा था। तब ऐसे समय में कबीर ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपनी वाणी यानी दोहों और पदों के माध्यम से सभी धर्मों में श्रेष्ठ मानव धर्म की शिक्षा दी और समाज में जागृति पैदा की। तन का जोगी सब करे,
मन का बिरला कोई तन का जोगी सब करे मन का सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए जो मन जोगी होए। परंतु जाति धर्म रीति नीति के संबंध में बहुत कुछ कहने वाले महात्मा कबीर खुद अपने विषय में कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उनके जन्म मरण के विषय में कोई निश्चित तिथि स्थान या आधार नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर लहर तारा तालाब के एक कमल पुष्प से प्रकट हुए, तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कबीर का जन्म एक ब्राह्मण विधवा से हुआ था और लोक लाज के भय से उसने लहर तारा तालाब के किनारे उसे छोड़ दिया था। तब नीरू नामक जुलाहे ने उसे उठाया और अपने घर लाकर पाल पोस कर बड़ा किया। कबीर के विषय में एक मत ऐसा भी है कि काशी के एक जुलाहे के घर ही कबीर का जन्म हुआ, और इस संदर्भ में एक दोहा भी प्रचलित है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये जेठ सुदी बरसात की पूर्ण मासी प्रकट भये। इस तरह कबीर के जन्म के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उनकी वाणी के आधार पर ये निश्चित ही कहा जा सकता है कि कबीर किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय के न होकर सबके थे और आज भी हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कबीर का काल नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से लोधी वंश यानी ईस्वी सन 1451 से 1583 तक का माना जा सकता है। वे अपने युग के सच्चे प्रतिनिधि थे। उन्होंने राम और रहीम दोनों की भक्ति की। उनका राम और उनका रहीम उनके मन में ही बसा करता था। वे कहते हैं, हिंदू कहत है राम हमारो मुसलमान रहमाना, हिंदू कहत है राम हमारो मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ मरत हैं मरम को न जाना। मनुष्य मात्र की सेवा यही था उनका राम, और प्राणी मात्र पर दया यही था उनका रहीम। वे सही मायने में अहिंसा के पुजारी थे, तभी तो उन्होंने कहा, दिन भर रोजा रखत है रात हनत है गाय, दिन भर रोजा रखत है रात हनत है गा, यह तो खून वो बंदगी, यह तो खून वो बंदगी, कैसे खुशी खुदा कैसे खुदा। कबीर ने मूर्ति पूजा, चोटी तिलक, कर्म कांड, रोजा नमाज, योग भक्ति आदि पर समय समय पर अपने विचार और मत प्रस्तुत किए और पूरी निर्भीकता से इन दोषों का खंडन भी किया। उनका मानना था कि परमेश्वर शुद्ध मन और शुद्ध आचरण
और अपने अनुभव से ही प्राप्त होता है। पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहार, तो मैं पूजू पहार, या सो तो चकिया भली, या सो तो चकिया भली, पीस खाय संसार, पीस खाय संसार। कबीर एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। कहते हैं ज्ञान के क्षेत्र में जिसका जितना अध्ययन और अनुभव होता है उसे उतनी ही अनुभूति और प्रचिति प्राप्त होती है। वेद पुराण में जो कुछ कहा है उसे कबीर झूठा नहीं कहते। वे तो कहते हैं वेद किताब कहूं क्यों झूठा, झूठा जो न बिचारे। कबीर ने जो कुछ कहा वो मात्र साहित्य की श्री वृद्धि और समृद्धि के लिए नहीं कहा, बल्कि समाज सुधार के लिए ही उनकी वाणी समय समय पर उपदेश तो कभी सीधी फटकार लगाती रही। कबीर जीवन की शांति और सुख, संतोष और समाधान में मानते हैं। जो कुछ अपने पास है उसमें ही संतोष मानना चाहिए। जबकि आज समाज में इसके विपरीत ही दृश्य देखने मिलता है। असंतोष और लालच, लिप्सा और अतृप्ति ही जीवन का मंत्र हमें दिखाई देता है। वे कहते हैं साई इतना दीजिए, जा मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। इस दोहे से स्पष्ट है कि कबीर समाज सुधारक होने के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के भी पोषक थे। उन्होंने अतिथि देवो भव इस परंपरा का भी सम्मान और निर्वाह किया। कबीर मनुष्य की संगत पर भी विचार करते हैं। वो मानते हैं कि अच्छी संगत में मनुष्य अच्छा आचरण करता है और बुरी संगत उसे गलत मार्ग पर ले जाती है। कबीर खुद अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सत्संग किया। सत्संग के महत्व को समझाते हुए वे कहते हैं कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, कबीरा संगत साधु की हरे और की
व्याधि संगत बुरी असाधु की संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि आठों पहर उपाधि सभी रिश्ते नाते और संबंधों में प्रेम का रिश्ता सबसे ऊंचा है। प्रेम में शांति है, प्रेम में विश्वास है। इसी एक प्रेम के कारण सारे जगत का कार्य व्यवहार और व्यापार चलता है। ये जगत तो माया नगरी है और मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान है। नश्वर शरीर कब समाप्त हो जाएगा कौन कह सकता है। और इसीलिए ढाई आखर प्रेम के महत्व को समझ लेना जरूरी है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भारतीय संत परंपरा में कबीर अद्वितीय हैं। अपने आध्यात्मिक संशोधनों में, अपने दार्शनिक सिद्धांतों में, अपने चिंतन में, अपनी साधना का मार्ग बनाने में, अपनी भक्ति का स्वतंत्र मार्ग चुनने में, अपनी विचारधारा और सिद्धांतों को प्रचलित करने में और अपनी भावनाओं के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण में वे हमेशा मौलिक, स्वतंत्र और सजग हैं। वे ऐसा कहा करते थे, मसी कागज छो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उनके पश्चात उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन किया। ये संकलन कबीर बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। रमैनी में चौपाइयां हैं, सबद उनके पद हैं और साखी में दोहों का समावेश है। कबीरा हरि के रूठते गुरु है होत सहाय, कबीरा हरि के रूठते गुरु है होत सहाय, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, जो चकमक में आगी। लेखन और प्रस्तुति डॉक्टर सुनील केशव देवधर। इसके साथ ही कलश का ये अंक समाप्त हुआ।